नमस्कार साथियों, डिजिटल सहायता यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आज के डेट में लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में सातवां किस्त जो है ट्रांसफर किया जाएगा, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पहले ही जानकारी दी गई थी और आज भी इसको लेकर जो जानकारी है उसे कन्फर्म कर दी गई है। टोटल 1,32,00,000 लाभार्थी है जिन्हें आज के डेट में जो पैसे हैं वो रिसीव होने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लाभार्थियों को कितने रुपए जो है इस बार मिलने वाले हैं सातवीं किस्त के रूप में। तो साथियों, काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है कि लाभार्थियों को इस बार जो है 1,500 रुपए जो है किस्त मिलने वाली है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत। तो साथियों, इसको लेकर ऑफिशियली अभी तक सरकार की तरफ से क्या जानकारी दी गई है और क्या कहा गया है कि लाभार्थियों को कितने रुपए मिलेंगे, पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। और उसी के साथ लाडली बहना आवास योजना के तहत भी क्या आज के डेट में पैसे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, इसको लेकर भी क्या अपडेट है उसके विषय में भी बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा लाडली बहना योजना के विषय में। लाडली बहना योजना के अंतर्गत पिछले बार लाभार्थियों को दोस्तों 1,250 रुपए की जो है किस्त ट्रांसफर की गई थी सरकार की तरफ से। अभी तक दोस्तों इसको बढ़ाए जाने या फिर इस बार जो किस्त ट्रांसफर की जाएगी इसमें बढ़ाए जाएंगे, इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं निकाला गया है। तो लाभार्थियों को जो पैसे ट्रांसफर किए जाने की बात कही जा रही है कि 1,500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे, तो साथियों ऐसा ऑफिशियल जानकारी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा यह भी बताया गया था कि जो पैसा है उसे क्रमशः 1,250 के बाद 1,500 किए जाएंगे, लेकिन कौन से इंस्टॉलमेंट में किए जाएंगे इसको लेकर जानकारी नहीं दी गई है। तो साथियों, अभी जितने भी लाभार्थी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसे सभी लाभार्थियों को दोस्तों यही मानना है कि जो पैसे हैं वो 1,250 रुपये ही मिलेंगे, क्योंकि ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। ऐसा घोषणा भी नहीं किया गया है कि 1,500 रुपये इस बार दिए जाएंगे या कब दिए जाएंगे। हालांकि साथियों, यह कहा गया है कि आगे बढ़ाए जाएंगे, उम्मीद है कि इस बार ही बढ़ाया जाए। अगर बढ़ाया जाता है तो उससे पहले जानकारी दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से और उसको लेकर हमारे चैनल पर आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी। और अगर नहीं बढ़ाया जाता है तो साथियों, आप सभी को कन्फर्म हो जाना है जो पैसा है वो 1,250 रुपये आपके खाते में रिसीव पक्का आज के डेट में हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत क्या आज के डेट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो साथियों, यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सबसे पहले काफी सारे अपडेट्स आ रहे थे कि पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी जानकारी इसको लेकर भी नहीं दी गई है। तो साथियों, जहां तक उम्मीद है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत आज के डेट में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, सिर्फ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत ही लाभार्थियों को सातवां किस्त मिलेगा। लाडली बहना आवास योजना के लिए अभी और भी इंतजार करना है, क्योंकि साथियों जो वेरिफिकेशन है वो अभी कंप्लीट ही नहीं है और काफ़ी सारे जगह पर स्टार्टिंग ही नहीं की गई है। जैसे ही सरकार के आदेश आएंगे उसके बाद वेरिफिकेशन की जाएगी। लाभार्थियों का दोस्तों प्रायोरिटी के आधार पर PWL जो दोस्तों प्रतीक्षा सूची है वो तैयार किया जाएगा और उसके बाद लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो साथ ही लाडली बहना आवास योजना से संबंधित आगे हमारे चैनल पर वीडियोज आएगी, उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या अभी तक जो है सरकार की तरफ से क्या इसमें निर्णय लिया गया है, दोस्तों वेरिफिकेशन का आदेश दिया गया है या फिर नहीं, कब तक लाभार्थियों को पैसे मिलेंगे उससे संबंधित आगे जानकारी मिलेगी। लेकिन आज के डेट में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ऑफिशियल जानकारी कोई भी निकल कर नहीं आई है। तो साथियों, अगर आप मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लाभार्थी हैं तो आपको लाडली बहना योजना के तहत जो किस्त आज के डेट में ट्रांसफर की जाएगी लाडली बहना आवास योजना के लिए भी आपको इंतजार करना है। तो साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस प्रकार के और भी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।